मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्ता एशिया की हिंदी सर्विस कली से समाचार में आप सभी का स्वागत है कली से ही समाचारों में प्रमुख है नशीली पदार्थों की लत में पड़े लोगों की मदद हेतु पॉ फ्रांसिस का वाहन एशियाई बिशपो ने धर्म सभा को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइट लॉन्च की मध्य प्रदेश में दलित युवक की हत्या मां को निर्वस्त्र किया गया चर्च में विवाह से इनकार करने पर आर्च बिशप और प्रोहित पर मुकदमा वाटिकन भारतीय धर्म विधि विवाद पर निर्णय लेगा शीर्ष अदालत ने बपतिस्मा मामले में प्रोहित को राहत दी बिशपों ने दंगा प्रभावित मणिपुर में जीवन के पुनर्निर्माण की अपील की डम्बो पर धर्म बहन की लघु फिल्म ने पुरस्कार जीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची अब जानते समाचार विस्तार से। नशीली पदार्थों की लत में पड़े लोगों की मदद हेतु पोप फ्रांसिस का वाहन पॉप फ्रांसिस ने रोम में फोरेंसिक टेक्सिकोलॉजी की साठवी अंतरराष्ट्रीय उजागर करता है पॉप ने कहा हर लत के पीछे ठोस अनुभव अकेलेपन की कहानी असमानता बहिष्कार एकीकरण की कमी होती है जिसके लिए हम उदासीन नहीं रह सकते रविवार सत्ताईस अगस्त को फॉरेंसिक्स टेक्सिकोलॉजी की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिभागियों को प्रेषित संदेश में पॉप ने नशीले पदार्थों की लत में पड़े लोगों की पीड़ा को सुनते हुए उन तक पहुंचने और समाज की दुर्बलताओं को दूर करने का आह्वान किया एशियाई विशपो ने धर्म सभा को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइट लॉन्च की फेडरेशन ऑफ एशियन विश्व कॉन्फ्रेंस ऑफिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन ने क्षेत्र में धर्म सभा पर धर्म सभा के संचार के समन्वय और प्रचार के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है कार्डिनल नामांकित सेबेस्टियन फ्रांसिस पेनाग के बिशप और कार्यालय के अध्यक्ष ने 29 अगस्त को एक आभासी बैठक में पोर्टल का उद्घाटन किया उन्होंने कहा एशिया में स्थानीय चर्चों के लिए इस विशाल महाद्वीप में फैले हुए धर्म सभा तीन गुना जारी रखने का एक विशेष अधिकार प्राप्त क्षण है सेनाड एशिया वेबसाइट क्षेत्र में चर्च और एशिया में रुचि रखने वाले सभी मीडिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है उन्होंने सभी को धर्म सभा के संसाधनों और समृद्धि को साझा करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि हम ईश्वर के लोगों के रूप में एक साथ चलते हैं मध्य प्रदेश में दलित युवक की हत्या मां को निर्वस्त्र किया गया पूर्व अछूत जातियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को उजागर करते हुए मध्य प्रदेश में एक परिवार के नौ सदस्यों ने एक दलित युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी उसकी मां को नग्न कर दिया और उसकी बहन पर हमला किया 24 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर जिले में 18 वर्षीय नितिन हिरवार की बहन द्वारा दार उत्पीड़न के मामले को वापस लेने के लिए परिवार द्वारा दबाव डालने पर उसकी हत्या कर दी गई कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीसीबीआई के दलितों और निचले वर्गों के कार्यालय के सचिव फादर विजय कुमार नायक ने बताया दुख की बात है कि आज़ादी के सात दशक बाद भी कमजोर लोगों के लिए कुछ भी नहीं बदला है हर दिन एक दलित व्यक्ति की हत्या या हमला किया जाता है फादर ने कहा देश भर में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाता है बलात्कार किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है वेटिकन भारतीय कलिस्टा के धर्म विधि विवाद पर निर्णय लेगा सिरोमालाबा चर्च और पॉप प्रतिनिधि द्वारा इसे सुलझाने में विफल रहने के बाद वेटिकन के द्वारा भारत के दशकों पुराने धर्म विधि विवाद पर निर्णय लेने की उम्मीद है प्रोहित धार्मिक और आम लोगों के मंच आर्चा मूवमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी के प्रवक्ता रिंजू कंजुकेरन ने कहा हम वार्टिकन से अनुकूल उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ए दक्षिण केरल के आर्च में विरोध का नेतृत्व कर रहा है जो मेजर आर्चबिशप कार्डिनल जॉर्ज अलचेरी की सत्ता की सीट है और दुनिया भर में चर्च के पचास लाख कैथलिक में से आधे मिलन का घर है परम धर्म प्रतिनिधि स्लो वाकिया के आर्चबिशप सीरल वासिल महाधर्म प्रांत में को समाप्त करने के अपने मिशन में विफल रहे और तेवीस अगस्त को वापस लौट आए चर्च में विवाह से इनकार करने पर आर्च बिशप और पुरोहित पर मुकदमा केरल में कैथलिक आर्च बिशप और एक पुरोहित को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए कैथलिक जोड़े के चर्च विवाह की अनुमति देने से इनकार करने के लिए अदालत की अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा कोटायम कनाया आर्च डाइसिस जस्टिन जॉन ने केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसमे आर्च बिशप मैथ्यू और केरल के कासरगोड़ के सेंट एनी पेरिस के पल्ली पुरोहित फादर सीजो स्टीफन के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गयी जॉन ने अपनी याचिका में आर्चबिशप पुरोहित पर उच्च न्यायालय के पहले के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने पेरिस चर्च में अपनी शादी को मनाने के लिए अनिवार्य अनुमति जारी नहीं करने का आरोप लगाया 25 अगस्त को दायर अवमानना मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होने की संभावना है शीर्ष अदालत ने बपतिस्मा मामले में पुरोहित को राहत दी शीर्ष अदालत ने अंतरधार्मिक विवाह से एक बच्चे को बपतिस्मा देने के लिए पुरोहित के खिलाफ व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत आपराधिक मामला आगे बढ़ाने से पुलिस को रोक दिया है जे फादर सैड्रिक प्रकाश जो दो के गुजरात के मामले पर करीबी से नजर रख रहे ने कहा पुरोहित ने बच्चे को बपतिस्मा दिया क्योंकि माँ कैथलिक थी और बच्चा माँ के धर्म का पालन करता था राज्य में मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रकाश ने अट्ठाईस अगस्त को बताया कैथलिक को गलत तरीके से आपराधिक मामले में फंसाने के के लिए यह धर्मांतरण विरोधी कानून दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है पुरोहित ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने सही काम किया है ने दंगा प्रभावित मणिपुर में जीवन के पुनर्निर्माण की अपील की पूर्वी संस्कार सिरोमाला बार चर्च के विश्वो ने कैथलिकों से पूर्वोत्तर भारत में संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य में लोगों के टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने में मदद करने का आग्रह किया है छब्बीस अगस्त को धर्मसभा के एक सप्ताह तक चली बैठक के अंत में बिशप ने कहा मणिपुर में लोगों के टूटे हुए जीवन को फिर से बनाने के लिए हम सभी को अपना पूरा समर्थन देने की जरूरत है धर्मसभा में उपस्थित चर्च में लगभग चौवन सेवारत और सेवानिवृत्त विशपो ने पहाड़ी राज्यों में अभूतपूर्व हिंसा पर दुख व्यक्त किया जिसमे एक से अधिक लोगों की जान चली गई चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज अलंचेरी ने धर्म सभा के बाद एक परिपत्र में हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली संघीय और राज्य सरकारों से अशांत राज्य में शांति बहाल करने के लिए गंभीर कदम उठाने का आग्रह किया डम्बो पर धर्म बहन की लघु फिल्म ने पुरस्कार जीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची मुंबई में कैथोलिक धर्म बहन मोबाइल फोन पर केवल दो दिनों में शूट की गई सात मिनट की फिक्शन फिल्म से फिल्म जगत में हलचल मचा रही है सिस्टर तो जोसेफिना अल्बुकर्क की जीरो बजट फिल्म डी फॉर डम्बो चौथी कक्षा के छात्र सैम की कहानी बताती है जिसका उपहास किया जाता है क्योंकि वह अपने साथियों की तरह जल्दी से पहाड़ा नहीं बोल पाता हालांकि बच्चा जिसे क्लास में डम्बू कहा जाता है अपने सहपाठियों से आगे निकल जाता है जब कोई दूसरा शिक्षक उसे रचनात्मक अभ्यास कराता है रिलीजियस ऑफ एंड मैरी के सदस्य की हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने सराहना की उन्होंने चौदह अगस्त को मुंबई के समारोह में सिस्टर जोसेफिना को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया यह फिल्म मुंबई के उपनगर बांद्रा के सेंट पॉल कम्युनिकेशन सेंटर में प्रोफेशनल फिल्म निर्माण पाठ्यक्रम के पहले बैच द्वारा क्लास प्रोजेक्ट के रूप में बनाई गई थी यह फिल्म अब ऑनलाइन एलएलपी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है इसी के साथ कल समाचार समाप्त हुए अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ नमस्कार रेडियो वेरितास एशिया आप लेकर ले आए हैं। आर मोबाइल ऐप आर मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें। हमसे जुड़े और एशियाई ईसाइत की आवाज़ का हिस्सा बने आज ही एप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।